नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। दोस्तों बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आप लोग अगर आज की ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी ये जरूर जानना चाहते होंगे कि आज के दिन स्टॉक में अपर सर्किट क्यों देखने को मिला, क्या कोई बड़ा अपडेट सामने आया, क्या ट्राइडेंट ग्रुप के द्वारा कोई नई अनाउंसमेंट की गई है, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से स्टॉक में अपर सर्किट लगा है, तो जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ऐसा कोई बड़ा अपडेट तो नहीं आया है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कोई भी बड़ा अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि 15 नवंबर को यहाँ पर एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एक मीटिंग होनी थी जिसमें ऑल अपडेट किया गया था, और इस मीटिंग की वजह से हो सकता है आज के दिन अपर सर्किट लगा हो, लेकिन अंदर की बात क्या रही, क्या अपडेट्स हुए, क्या डिसीजन हुआ है इसमें, वो चीज़ें अभी यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक में आज अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो पहली वजह हम इस एनुअल यानी कि एनालाइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मीटिंग को कह सकते हैं। और वहीं अगर बात करें आज के दिन अगर बाय की क्वांटिटी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर बाय के लिए देखने को मिलती है, और साथ के साथ डिलीवरीएबल जो क्वांटिटी रही है आज की इस प्राइस पर आपको 45.28%। तो दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हो रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक में, ट्राइडेंट ग्रुप में, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली। यानी कि इस लेवल पर भी यहाँ पर डिलीवरीएबल क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं अगर बात की जाए पिछले हाई एंड लो की, तो आप सभी को पता होगा कि 7.40 रुपये से 43.35 रुपये का हाई इस स्टॉक ने पिछले एक साल में बना कर दिया है। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है, और इस स्टॉक से हमें इन फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, और इसका टारगेट काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। तो दोस्तों एक साल में इस स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न तो नहीं दिए, लेकिन जितना भी रिटर्न दिया वो बहुत है। अगर आप किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा रिटर्न आपको मिला होता, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, साथ के साथ जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आया है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हमें देखने को मिला है। और इन सभी चीज़ों को हम एक वे में अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें हर एक क्वार्टर में अच्छी खासी सेल, अच्छी खासी मूवमेंट, अच्छा खासा यहाँ पर स्कोप बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हर एक क्वार्टर में कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको यहां पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है उनकी जो होल्डिंग है वो यहां पर इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो कुछ ना कुछ यहां पर पॉजिटिव जरूर होने वाला है, इसी वजह से यहां पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है उन्होंने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया, साथ के साथ प्रमोटर अभी तक बने हुए हैं, डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है। और वहीं इस तेजी के पीछे अगर एक और वजह की बात करूं तो वो ये है कि दोस्तों जिस तरह का इस स्टॉक का नेचर रहा है, यानी कि अगर आप एक महीने का ग्राफ देखेंगे तो पिछले एक महीने में इस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट, तेजी, वापस से गिरावट देखने को मिली, और अब दोबारा से अपर सर्किट आज के दिन देखने को मिला है। अगर 6 मंथ का ग्राफ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक जो है काफ़ी लंबे समय तक एक ही लेवल पर ट्रेंड करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पर थोड़ी सी तेजी होती है और एक नया लेवल बनता है, और वहाँ से स्टॉक दोबारा से ट्रेंड करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप आपको मूवमेंट देखने को मिली होगी। यानी कि स्टॉक ने जब 20 रुपये के लेवल को क्रॉस किया था तो 24-24.5 रुपये के लेवल पर काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर आपको ट्रेंड करता हुआ नजर आया होगा, और उसी तरह का यहाँ पर अभी हमें देखने को मिला। यानी कि जब से 40 रुपये के लेवल को स्टॉक ने टच किया है तब से काफ़ी लंबा समय हो गया, यानी कि पूरा एक महीना बीत चुका है, स्टॉक इसी लेवल पर ट्रेंड कर रहा था। लेकिन हो सकता है ये जो अपर सर्किट आया अब इसके बाद एक नया हाई बने और वहाँ से स्टॉक कंसोलिडेशन में जाए, या फिर यहाँ पर करेक्शन हमें देखने को मिले। तो अच्छे खासे टारगेट्स हैं, अच्छे खासे लेवल्स हैं, बने रहेंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक ने अच्छे प्रॉफिट बना के दिए हैं, और लॉन्ग टर्म में भी एक मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे चुका है। अगर यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो 8100% तक का रिटर्न आपको यहाँ पर लाइफ टाइम हिस्ट्री में देखने को मिलता है। अगर बात करें पिछले 5 साल की तो पिछले 5 साल में 690% का रिटर्न। आज से 5 साल पहले इसके एक स्टॉक का प्राइस 5.19 रुपये था। 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल पहले भी इस स्टॉक का एक प्राइस जो था वो 7.5 रुपये था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी तेजी, कितनी अच्छी रिकवरी इस स्टॉक ने दिखाई है। लगातार यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, तो आप लोग यहाँ पर बने रहिए, और अभी भी चाहें तो आप यहाँ पर बाय की पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म का फोकस रखें। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, छोटी सी अपडेट, उम्मीद करूँगा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।